गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 31 जुलाई, रात के बज रहे हैं 1:30। स्टडीज़ हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर आ गई हैं। एक बेहद शानदार सेशन लेकर आए हैं हम आपके सामने फ्रेंड्स, और वजह यह है कि करेंटली निफ्टी के अंदर जिस तरीके की गिरावट आ रही है, इस गिरावट के समय बहुत ज़रूरी है कि निवेशक और ट्रेडर, इन दोनों के बीच का फ़र्क आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। निवेशक जो हैं इस समय, वो आसानी से अच्छे शेयर्स में निवेश किए हुए और शांति से बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मार्केट में इस समय प्रॉब्लम हो रही है ट्रेडर्स को। इससे अच्छा कोई और समय नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, जब हम आपके लिए लेकर आएँ निवेश के आसान नियम की आज की जो सीरीज़ है, और जिसके अंतर्गत हम एक ऐसे शख्स को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। इनसे बेहतर तरीके से इस चीज़ को किसी ने डिफाइन नहीं किया कि एक शख्स के अंदर निवेशक और ट्रेडर दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे ये समझना चाहिए कि मार्केट के किस समय आपको एक निवेशक बनना है, एक इन्वेस्टर बनना है, और किस समय आपको एक ट्रेडर बनना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश झुंझुनवाला जी की। बेहद शानदार स्टडी है, इकलौते ऐसे शख्स हैं मार्केट गुरु की अभी तक की हमारी एनालिसिस के सीरीज में, जिन्होंने न केवल निवेश को बढ़ावा दिया है बल्कि निवेश के साथ साथ इंपॉर्टेंस बताई है ट्रेडिंग की भी। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग इनके इस सेशन से और जो राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में जो भी इन्होंने मार्केट में सलाह दी है, जो भी ज्ञान दिया है और जो भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल से सिखाया है, उससे आपको भी मदद मिलेगी। सो शुरू करते हैं आज की ये जर्नी फ्रेंड्स, मार्केट गुरु का अगला सेशन जो कि होगा राकेश जी की लाइफ पर। निवेश के आसान नियम, बेहद साधारण, बिल्कुल आसान भाषा में कि आज तक राकेश जी ने क्या सिखाया। और आप सभी को पता है, जैसे वॉरेन बफे ने प्रसिद्ध किया है नाम कोका कोला को, वैसे ही राकेश झुंझुनवाला जी ने नाम प्रसिद्ध किया है टाइटन का। 200 रुपये के आसपास से शुरू होकर इनके पोर्टफोलियो में टाइटन तब तक रहा जब तक 1000 के लेवल्स तक, और ये जर्नी बेहद शानदार रही। अपनी इनिशियल स्टेज में चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई करने के बाद राकेश झुंझुनवाला जी बीएससी में आए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने एक फ्रेंड की मदद से। इनिशियल स्टेज में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और उधार लिए अपने एक दोस्त से तकरीबन 2.5 लाख रुपये 15% ब्याज पर। और उसके बाद न केवल इन्होंने इनिशियल स्टेज में उन्हें ब्याज के साथ मूलधन वापस किया, बल्कि सेम उसी फ्रेंड से 10 लाख रुपए और लेकर शुरुआत की अपनी जर्नी की। और करंटली आप सभी जानते हैं राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाता है। तो देखते हैं कि अपनी इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी के दौरान राकेश झुंझुनवाला जी ने जब एक मेंटोर बने, तब मार्केट के नए निवेशकों को कौन कौन से नियम बताए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो सिर्फ और सिर्फ राकेश जी की तरफ से मिला हमें अपनी इस पूरी एनालिसिस के दौरान और पूरी स्टडी के दौरान, वो था कि इकलौते राकेश जी ही ऐसे हैं जो मार्केट में न केवल एक लंबे समय के निवेशक हैं बल्कि एक ट्रेडर भी हैं। और सबसे पहला नियम जो बताते हैं राकेश जी, वो ये है कि लिव बाय द रूल्स। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में से कुछ भी बुरा नहीं है। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी चीज़ें नहीं करते हैं, बट इनका कहना है कि ट्रेडिंग बुरी नहीं है, बशर्ते आपको इसके नियम पता होने चाहिए, आपको अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होने के साथ साथ जो इसके डिसिप्लिन हैं, इन्हें फॉलो कीजिए। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ना ही आप एक निवेशक हैं और ना ही आप एक ट्रेडर हैं। आप दोनों के बीच में फंस कर रह जाएंगे और मार्केट से प्रॉफिट निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। टाइटन आपके पोर्टफोलियो के अंदर 12 साल से ज़्यादा लंबे समय तक रहा है। सेम वैसे ही राकेश जी का कहना है कि अपने पोर्टफोलियो के दो हिस्से स्पेसिफिक करने चाहिए आपको, और आपको पता होना चाहिए कि किन शेयरों के साथ में आप निवेश के तौर पर रख रहे हैं और किन शेयरों को आप एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रख रहे हैं। कभी भी ये मत कीजिए कि ट्रेडिंग के लिए जिन शेयरों को आपने रख रखा है उन्हें आप गिरावट की वजह से निवेश की श्रेणी में डाल दें। सो सिंपल जो सबसे पहली सीख है वो ये है कि चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप निवेश कर रहे हो मार्केट के अंदर, आपको नियम पता होने चाहिए ट्रेडिंग के क्या हैं और निवेश के क्या हैं, और इनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली ही आपको मार्केट में परफॉर्म करना चाहिए। सेकंड,
अंडरस्टैंड द फैक्टर्स बिहाइंड द गेन्स और प्रॉफिट्स. सो इसका मतलब क्या था, इन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी शेयर के रेट पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. शेयर का रेट बढ़ रहा है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कोई कंपनी ऐसी प्रॉफिटेबल मिल जाती है तो वो सीधे उसमें बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं. रादर देन ये अप्रोच रखने के, एक निवेशक को मार्केट में ये अप्रोच रखनी चाहिए कि उसे ये डिग डीप करना चाहिए, उसे ये पता करना चाहिए कि अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है तो आखिर वजह क्या है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ये प्रॉफिट है ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन होने वाला नहीं है. जैसा कि आप सभी ने देखा, रीसेंट एक साल के अंदर HEG और ग्रेफाइट अपने निचले स्तरों से 2 से 3 गुने हुए और फिर ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे आ गए और करंटली अपने ऊपरी स्तरों से 70-80% वैल्यू इरोड करके बैठे हुए हैं. इस एग्जाम्पल के तहत राकेश जी ने कहा कि आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो वो किन वजहों से बढ़ रही है, और क्या वो वजहें जिनसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है वो लंबे समय तक सस्टेन रहेंगी या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कंपनी में बाय करेंगे और जिन वजहों से कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो सिर्फ एक साल तक के लिए रहेगी और आप सोच रहे हैं उस कंपनी को 5 साल तक के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना और एक साल के बाद कंपनी में प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा और शेयर का रेट अचानक से नीचे आएगा, आपका लॉन्ग टर्म निवेश पूरी तरह से बस्ट हो जाएगा. सो इसलिए राकेश जी कहते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात, शेयर के प्राइस पर ध्यान मत दीजिए एक निवेशक के तौर पर. सेकेंड चीज़, अगर कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है, बैलेंस शीट के अंदर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि आखिर कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर वो कौन से फैक्टर्स हैं, ये कंपनी क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और क्या ये कंपनी लंबे समय तक प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी या नहीं. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स बिहाइंड द गेन्स और द प्रॉफिट्स. थर्ड थिंग, स्केलेबिलिटी, हाउ बिग इट कैन बी. और ये वजह है कि टाइटन उन्होंने 13 सालों से ज़्यादा समय तक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा, कि जब आप ये देखते हैं किसी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, आपको ऐसी कंपनी मिली, देन आप ये देखते हैं कि इस कंपनी का जो ये प्रॉफिट है ये किन वजहों से हो रहा है. जिसे कि वॉरेन बफे के जो साथी थे वो कहते हैं, हाउ लॉन्ग इट कैन सस्टेन. वॉरेन बफे ने जैसे कहा कि अगर आपके पास में एक एडवांटेज है सो ये एडवांटेज कितने लंबे समय तक रहेगा, और जितने लंबे समय तक ये एडवांटेज रहेगा इसका मतलब है कि ग्रोथ की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा हैं. ये चार्ली मंगर का भी कहना था. सो यही सीख है राकेश जी की अगली, कि स्केलेबिलिटी, कि अगर किसी कंपनी में ग्रोथ है और ग्रोथ का कोई एक मेन रीजन है तो वो रीजन कितने लंबे समय तक सस्टेन करेगा. जैसे कि नोकिया, इनिशियल स्टेज में मोबाइल फ़ोन की इकलौती कंपनी थी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, अच्छी तरह से बहुत सारे हैंडसेट्स निकाल रही थी, अलग अलग वैरायटीज़ के, अलग अलग लेवल्स के, लोग परचेस कर रहे थे उन्हें. देन ये इन्विजाज करना कि आखिर ये जो पर्टिकुलर इसके पास एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये कितने लंबे समय तक चलेगा. जब एंड्रॉयड आया और नोकिया का सिम्बियंस जो सॉफ्टवेयर था वो धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगा, ज़्यादातर कंपनीज एंड्रॉयड पर आने लगी, तब एक निवेशक के तौर पर जिसने भी नोकिया के अंदर निवेश किया होता उसे मार्केट की कंडीशंस देखकर अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि करंटली जो मार्केट है और फ्यूचर का जो मार्केट है इन दोनों में डिफरेंस है. सिम्बियंस से मार्केट शिफ्ट हो रही है अब एंड्रॉयड पर, और इस वजह से अगर एक समझदार निवेशक होता तो वो नोकिया से स्विच करता सिम्बियंस के अंदर, सो दैट ही कैन नो कि ये कंपनी कितने लंबे समय तक सस्टेन करेगी और जितने लंबे समय तक सस्टेन करेगी उसमें कंपनी की ग्रोथ क्या होगी. इसके बारे में विजय केडिया जी ने भी एक बार कहा था कि कंपनी वो अच्छी है, और एक मनी बीस के एक निवेशकों की एक पाठशाला थी, उसके अंतर्गत राकेश जी ने कहा कि सबसे बढ़िया कंपनी वो होती है जो पहले साल 10 करोड़ रुपए कमाए, अगले साल 12 करोड़ कमाए, देन 14 करोड़ कमाए, देन 15 करोड़ कमाए, और इस तरह से उसकी कमाई हर साल लगातार बढ़ती जाए. लगातार जब कमाई कंपनी की बढ़ती रहती है तब कंपनी में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है. तो अगर इस तरह की कंपनीज़ आपको मिलती हैं, तो अगर ये स्मॉल कैप कंपनीज़ भी हैं और आप इनके अंदर अगर लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो आपके देखते देखते ये कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप में आती हैं. सो ये पता लगाना किसी भी कंपनी में निवेश से पहले बहुत ज़रूरी है कि इस कंपनी में फ्यूचर में कितना बड़ा बनने की संभावना है. और राकेश जी का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल बाद का फ्यूचर आप किसी कंपनी का इन्विजाज कर लें, बेहतर है कि 2-3-5 साल तक का फ्यूचर अगर आप इन्विजाज कर लेते हैं, आप कंपनी में बने रहिए, जैसे जैसे मार्केट अनफोल्ड होती रहती है और कंपनी के लिए अगर फेवरेबल है अपने निवेश को और उतने ही लंबे समय तक के लिए मार्केट के अंदर रखिए. तो ये ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप ये जानें कि ये कंपनी
कितनी बड़ी होने की संभावना इस कंपनी के अंदर है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नेवर गेट कैरीड अवे विद द शॉर्ट टर्म्स। हालांकि एक ट्रेडिंग की, एक ट्रेडर्स की जो मेंटेलिटी है उसे भी सपोर्ट करते हैं राकेश जी, बट उसके साथ एक चीज़ और भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ट्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती है जब आप थोड़ा पैसा लेकर आते हैं। राकेश जी ने कहा कि भाई मार्केट के अंदर कोई आदमी करोड़ रुपए लेकर तो आता नहीं, उन्होंने अपनी बात कह रहे थे कि मैं करोड़ रुपए लेकर तो आया नहीं मार्केट के अंदर, मैं 2.5 लाख रुपए लेकर आया। नाउ 2.5 लाख से बड़ा पैसा कैसे बनता, तो सबसे पहले ज़रूरी था कि ट्रेडिंग करना, जल्दी जल्दी अपने पैसे को उसको मल्टीपल करना ताकि पैसा बड़ा बन जाए, और जो पैसा ट्रेडिंग से मैंने कमाया उन पैसे को मैंने सही तरह से निवेश के अंदर लगाया। ट्रेडिंग का सपोर्ट करने के बावजूद राकेश जी ने कहा कि नेवर गेट कैरीड अवे विद शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे आपको कभी भी नहीं भागना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि बड़ा पैसा मार्केट में जब भी बना है वो हमेशा लंबे समय में बना है। लंबे समय तक आप पोर्टफोलियो अपना मेंटेन करके रखिए, कंपनीज के अंदर निवेशित रहिए, तभी बड़ा पैसा मार्केट के अंदर बनेगा। ज़रा सोचिए कि कितनी शानदार चीज़ है, एक इंसान, एक मार्केट गुरु, एक निवेशक जो खुद ट्रेडिंग भी करता है उसके बावजूद वो ये कहता है कि लंबे समय में पैसा हमेशा निवेश में ही बनता है। तो उन लोगों का क्या जो अपना 100% पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर लगा कर रखते हैं, जिन्हें निवेश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके पोर्टफोलियो के अंदर कोई शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग और लंबे समय के लिए है या नहीं। कितनी उम्मीद करते हैं आप कि ऐसे लोगों का पोर्टफोलियो एक मल्टीबैगर पोर्टफोलियो साबित होगा। देन बेहद इंपॉर्टेंट, ये सारे मार्केट गुरु जो हैं वो हमेशा एक चीज़ की हिमायत करते हैं, और वो ये है कि वैल्यूएशंस बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले। आप अच्छी तरह से कंपनी को स्टडी कर लें, नॉलेज इकट्ठा कर लें, और नॉलेज इकट्ठा करने के बाद ये ज़रूर जानें कि आप कंपनी कितनी महंगी या कितनी सस्ती खरीद रहे हैं, क्योंकि बेसिकली प्रॉफिट का इकलौता सोर्स और इकलौता रीज़न यही है कि आप सस्ता खरीदें और महंगा बेचें। तो सस्ता खरीद कर महंगा बेचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप किसी कंपनी को महंगा ना खरीद लें, और महंगा खरीदें या ना खरीदें ये जानने के लिए ज़रूरी है कि कंपनी का वैल्यूएशंस कैसा है। अगर आपको पता है कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं तभी आप ये जान सकते हैं। बेसिकली अगर वैल्यूएशंस को बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये मतलब है कि कंपनी कितनी महंगी या सस्ती है, और कोई कंपनी कितनी महंगी या सस्ती है इसे जानने के कुछ खास तरीके हैं। आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, आपको उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, स्पेशली आपको रेशियोज पढ़ने आने चाहिए। कंपनी का पी रेशियो देखिए, पीजी रेशियो देखिए, आरओसी देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटीज देखिए। इन सारे रेशियोज को स्टडी से बहुत अच्छी तरह से आप एनालाइज कर पाएंगे कि कोई कंपनी महंगी है या सस्ती। और हमेशा ध्यान रखिए कि कंपनी के रेट से पहले कंपनी की एनालिसिस ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी की एनालिसिस आपको ये बताएगी कि कंपनी का जस्टिफाइड रेट क्या होना चाहिए। और जस्टिफाइड रेट के नीचे अगर आपको कंपनी मिलती है तो इसका मतलब है कि आपने एक सस्ती कंपनी सस्ते दामों पर खरीदी है। ये आपके निवेश का और आपके प्रॉफिट का सबसे पहला स्टेप होगा, जहां पर कि इस बात की संभावनाएं होंगी कि आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट जनरेट करेंगे, आपका पोर्टफोलियो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और अगर आप एक निवेशक हैं और अगर आपको ये नहीं पता कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशंस कैसे करना है, तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आप इस मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करना है तो आप इस मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं। इसीलिए राकेश जी कहते हैं कि हमेशा ध्यान रखिए कि 90% आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में आना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो भी ये काम कर रहा है वो इस काम का माहिर है, उसे पता है कंपनी का वैल्यूएशन निकालना। आपको नहीं पता, आपको कोई नॉलेज नहीं है, इसके बावजूद आप अपने शेयर के साथ में, अपने पोर्टफोलियो के साथ में, माफ कीजिएगा, पूरी तरह से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए राकेश जी कहते हैं कि 95% आपका पैसा जो है वो आना चाहिए हमेशा म्यूचुअल फंड के थ्रू। 5% पैसा आप अपने पास में रखिए, उसके बाद आपकी जो मर्जी वो कीजिए आप उस पैसे के साथ में। बट अगर आप वाकई एक पैशनेट निवेशक हैं और आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो किसी एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड मैनेजर ने सीख रखी हैं। इसके लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ पैशन की। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है वैल्यू इन्वेस्टिंग, और वो भी सेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा जोर दिया राकेश जी ने इसके बारे में। और उसकी वजह क्या थी? उनका कहना था कि इकोनॉमी के अलग अलग साइकिल्स होने की वजह से सेक्टर्स के अंदर से पैसा निकलकर दूसरे सेक्टर्स के अंदर जाता रहता है। सेक्टर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि करंटली मार्केट इकोनॉमी के किस साइकिल के अंदर चल रही है। इसलिए वैल्यू माइग्रेशन जब भी कभी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर होता है, आपको समय पर इसे स्विच करना चाहिए। दरअसल ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन राकेश जी ने दी जब एंकर ने उनसे पूछा कि सर करंटली मार्केट में किन शेयरों में बाई किया जाए। तब राकेश जी ने कहा, मिसाल के लिए अगर मैं आपको अभी किसी शेयर का नाम दे दूं एक्स वाई जेड, और उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा,
वहां से मैं आपको बताने ये नहीं आऊंगा कि किसी शेयर के अंदर जिसका मैंने नाम लिया था उसके सेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है और अब सेक्टर चेंज हो रहा है। मैं तो शेयर बेच दूंगा, लेकिन मैं आपको बताने नहीं आऊंगा तो आपको नुकसान होगा और कल को आप कहेंगे कि राकेश जी की वजह से मेरा नुकसान हो गया। सो इसलिए आपका नॉलेज बहुत ज़रूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। उनका कहना था कि वैल्यू माइग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट, जो कि वॉरेन बफे ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और इंडिया के वॉरेन बफे कहे जाते हैं। राकेश जी, जिनका एक और नाम भी है द बिग बुल, उन्हें कहा जाता है द बिग बुल, क्योंकि वो आमतौर पर बात करते हैं कि द मदर ऑफ द ऑल बुल रन इज अहेड ऑफ अस। ये हमेशा कोट है ये राकेश जी का कि द मदर ऑफ ऑल बुल रन इज अहेड ऑफ अस, कि बहुत बड़ी बुल रन अभी भी आने वाली है हमसे आगे और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं मार्केट में। सो उनका कहना था कि सेक्टर एनालिसिस बहुत जरूरी है और वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए सेक्टर वाइज। आपको पता होना चाहिए कि करंट इकोनॉमी के इस साइकिल के अंदर कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म करेगा, उन सेक्टर्स के सबसे बेहतरीन शेयरों में रहिए। यही एक तरीका है जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से मार्केट के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी जिस पर ज़्यादातर मार्केट गुरुज जोर देते हैं, बी प्रोफेशनल एंड लर्न योर सेल्फ। उनका कहना है, क्लियरली कहा राकेश जी ने, बहुत ही ब्लेटेंटली मतलब ओपनली कहा राकेश जी ने कि मार्केट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको अमीर बनाएगा। ये समझिए, उन्होंने कहा कि ये मार्केट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको अमीर बनाएगा, न किसी बिजनेस चैनल की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको अमीर बनाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा और आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे की जॉब करते हैं और 10 मिनट के लिए मार्केट देखते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया और उसके बाद आप शेयर बाय करेंगे और आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। उनका कहना था कि अगर आप मार्केट के अंदर हैं या तो आप 100% इन हैं या 100% आउट हैं। मतलब 100% इन का मतलब है कि 100% आप मार्केट पूरे दिन आप मार्केट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको उसके बेसिक्स सीखने पड़ेंगे मार्केट के, आपको जानना होगा इसके बारे में। जो कंपनी आप बाय कर रहे हैं उसके बिजनेस के बारे में आपको जानना होगा। और आप में से कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या राकेश जी को वाकई इतनी जानकारी है, क्या वो खुद जानते हैं किसी कंपनी में बाय करने से पहले जितनी बातें वो बताते हैं, क्या उतनी बातें वो खुद भी प्रूफ करते हैं। तो इसी के लिए फ्रेंड्स 2 वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ज़रा इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा। बेसिकली ये वीडियो हैं जहाँ पर राकेश जी की पोर्टफोलियो के अंदर 2 पर्टिकुलर कंपनियाँ हैं, टाटा मोटर्स और ल्यूपिन, और एनुअल जो बॉडी मीटिंग होती है इन दोनों कंपनीज़ की, और इस मीटिंग के अंदर राकेश जी सवाल पूछ रहे हैं मैनेजमेंट से। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में है, इन्हें अगर आप चाहें तो हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपके लिए ट्रांसलेट कर देंगे, बट ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अपनी कंपनी के बारे में राकेश जी की नॉलेज कितनी इनडेप्थ है। जिस कंपनी को उन्होंने बाई किया है उसके बारे में उनकी नॉलेज कितनी इनडेप्थ है, और उसके बाद हमारा सवाल है आपसे, वो सवाल हम इस वीडियो के बाद में पूछेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला वीडियो है जिसमें कि राकेश जी टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है उससे सवाल जवाब कर रहे हैं इनकी एनुअल मीटिंग में। So why don't you tell us, you know, give us in exact what your hedges in foreign exchange are? Because, you know, foreign exchange component now becomes such an important part of your profit. Correct. So therefore, to guide us as to how you hedge your profit in numerical terms will give us a better assessment of your future profit. So, Rakesh ji यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो आपके प्रॉफिट्स निकल रहे हैं इन प्रॉफिट्स में कितने, जो आपका जो बैलेंस शीट है उसका एक पार्ट है जिसमें कि आपने हेजिंग कर रखी है, और उसमें भी विदेशी मुद्रा में कितनी हेजिंग कर रखी है, आप काइंडली हमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। Rakesh ji, this year in the slide presentation, we have added a slide at least in terms of the impact above EBITDA and before EBITDA of the foreign exchange transactions, which in response to many of the questions we have received. उन्होंने कहा कि जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस ईयर में हमने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है उसमें एक स्लाइड हमने ये डाल रखी है जिसके अंदर इस साल का हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उनका कहना है कि करंट क्वार्टर के लिए नहीं, हमें फ्यूचर क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। The 80% of sale is in dollars and you are buying in the euros. We are at loss to understand what will happen in the other future quarters. Now see what he is saying. इनका कहना है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आमतौर पर इंडियंस की समझ में नहीं आती,
क्योंकि आपकी अकाउंटिंग पाउंड में करते हैं आप अपनी, सेलिंग जो है ज़्यादातर वो आप डॉलर्स में करते हैं, और सामान जो भी खरीदते हैं आप वो यूरोज में करते हैं। और क्या कह रहे हैं राकेश जी कि वी आर फेल टू अंडरस्टैंड इट। और ध्यान रखिए कि जिस जगह पर इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना कंपनी के बारे में, वहाँ पर ये कंपनी को ग्रिल कर रहे हैं। आपको याद आता है फ्रेंड्स कि ये किसी और ने भी कहा था, इफ आई डोंट अंडरस्टैंड इट आई डोंट बाय इट। किसने कहा था ये? वॉरेन बफे ने कहा था, इफ आई डोंट अंडरस्टैंड इट आई डोंट बाय इट। ये सारे मार्केट गुरु जितने भी हैं ना, जितने निवेशक हैं, ये सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, ये सारे एक ही नियम पर काम करते हैं। अगर आप ये नियम जान रहे हैं और आप इन नियमों को कॉमन पा रहे हैं इनके अंदर, और अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो ये सारे मार्केट गुरु करते हैं, तो जान लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। ध्यान से सुनिए। No, I think we have been sharing with you the currency exposure mix in JLR. I repeat, about 80% of the operations are exported out of UK. Right. In terms of currencies, about 60% of the revenue will be either dollar dependent or dollar linked. Right. Euro forms about 20-25% of our revenue and about 50% of our costs. How is the market? How is the sales in August? You're talking about India? Jaguar. Now he is asking only specific information कि अगस्त में Jaguar Land Rover की sales कितनी होगी? Jaguar Land Rover continues to roll. The product pipeline, I think I've mentioned in the calls earlier and also in many of our interactions. I think the product pipeline and the performance and the demand pull in the market continues to be quite heartening. नाउ फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है आपसे, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी टाटा मोटर्स को बाय किया है और अपने पोर्टफोलियो में रखा है, चाहे 10 दिन के लिए ही सही। कमेंट बॉक्स में जाकर जरा ये आंसर दीजिए कि आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को चेक किया है कि जैगुआर लैंड रोवर, जो कि टाटा की एक सब्सिडरी हो गई थी, टाटा ने बाय किया था उसे, उसकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर उसकी सेल्स क्या रही है। काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास टाटा मोटर्स कभी रहा है या नहीं, और क्या आपने इस चीज़ को चेक किया है या नहीं। और ज़रा देखिए कि एक ऐसा शख्स जिसके पास 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ है, वो इस चीज तक को चेक कर रहा है, जिसके पास शेयर्स होंगे 25-30 और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी होगी, बट वो इस चीज के लिए कंसर्न है कि जिस चीज को मैंने बाय कर रखा है उस कंपनी का मंथली, एक मंथ के अंदर जो उसकी सब्सिडरी है, उसकी कितनी गाड़ियां बिकी। अब सेकेंड देखिए ल्यूपिन, इसमें भी अच्छा खासा निवेश था राकेश जी का, और ल्यूपिन का भी सेम यही, एनुअल मीटिंग हो रही है और एनुअल मीटिंग में क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। इस क्वेश्चन आंसर को हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। फ्रेंड्स, मकसद ये है इन वीडियोस को देखने का कि इन वीडियोस से आपको पता चलता है कि बेसिकली मार्केट गुरु करते क्या हैं, क्योंकि हम कभी भी इतना डिग डीप करते ही नहीं, एज ए इन्वेस्टर हम कभी भी इन चीज़ों तक जाते ही नहीं। हमको तो बस ये चाहिए कि ल्यूपिन अगर 2 रुपये आज बढ़ा हुआ है तो हम इसको खरीद लेते हैं, और कल जब 3 रुपये मिल जाएंगे हमको तो हम उससे निकल जाएंगे। आप पूरी ज़िंदगी यही खरीद बेच करते रहेंगे और कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप वो काम नहीं करते हैं जो ये कर रहे हैं, और उसके लिए इनकी लाइफ से सीखना ज़रूरी है। Won't there be consolidation, extreme consolidation on the selling side also? I would expect that very much. I mean, a lot of companies will struggle to meet the requirements, the need of the day. And I would expect to see additional consolidation on the supply side. Another thing, we had acquired a Polish company or a product from a Polish company for the delivery of the... Ceylon. We hadn't acquired the company. यहाँ पर राकेश जी एक क्वेरी कर रहे हैं कि ल्यूपिन ने एक पॉलिश एक कंपनी को एक्वायर किया था, सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। वी एक्वायर्ड द कंपनी और नो, वी गॉट राइट्स टू द डिवाइस फ्रॉम सेलॉन। और व्हिच कंट्री? सेलॉन। सेलॉन। व्हिच कंट्री? प्राइमरीली फॉर द यूएस। यू गॉट द कंट्री फॉर राइट टू व्हिच कंपनी? व्हिच कंट्री? यूएस। फॉर यूएस। ये इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि आपने एक कंपनी को एक्वायर किया था अभी, तो उन्होंने कहा हाँ। So, उन्होंने कहा कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को किस देश में सप्लाई करने के लिए आपको परमिशन मिली है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कनाडा, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, या बट इट प्राइमरली यूएस। बट इट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड इन यूरोप। यस। सो देयरफॉर अप्रूवल इन अमेरिका शुड नॉट बी सो डिफिकल्ट।
Well, I mean, it's the first company. और क्वेश्चन है कि जो वो पर्टिकुलर कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स की सप्लाई यूरोप में करने के लिए परमिशन मिल चुकी है, तो राकेश जी का कहना है कि अगर यूरोप में परमिशन मिल गई है तो इसका मतलब है कि अमेरिका में परमिशन मिलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये क्या कर रहे हैं, इनविजाज कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर यूएस के अंदर इस कंपनी का परमिशन मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ल्यूपिन के अंदर ग्रोथ और बढ़ेगी, जो इसकी सब्सिडियरी है उससे आने वाला प्रॉफिट ल्यूपिन के प्रॉफिट में ऐड होगा, इसका मतलब है कि ल्यूपिन और आगे बढ़ेगी। तब ये चीज़ जानकर, ये इन्फॉर्मेशन जानकर, ये ल्यूपिन को अपने पोर्टफोलियो के अंदर और लंबे समय तक रखेंगे। ये बेसिकली तरीका है फ्रेंड्स, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कंपनी कितनी और बड़ी हो सकती है, स्केलेबिलिटी कंपनी की कितनी अच्छी है। That got approval for an Advair generic in the world, in the developed markets. So we would expect them to be placed better. You know, we are placed better. We've been working with them for the last 2 years now to get them up to US FDA standards and have come a really long way. What is the market size of Advair? 8 billion. इन्होंने पूछा है कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका मार्केट साइज कितना है। No, but you can, I mean, the European regulator has approved, but the American regulator has different rules. That's right. So see, he knows कि जो US regulators हैं उनके रूल्स अलग हैं और जो European regulators हैं उनके रूल अलग हैं। अब अगेन हमारा क्वेश्चन है आपसे सेम, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में ल्यूपिन था और जिन्होंने इस बात को जानने की जहमत उठाई कि अगर ल्यूपिन है तो ल्यूपिन के पास में सब्सिडियरी कंपनीज कितनी हैं? आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कोशिश की? अगर मार्केट के ये गुरु ये कहते हैं कि बी प्रोफेशनल एंड इट इज़ टाइम टू लर्न बाय योरसेल्फ, सीखना पड़ेगा ही आपको अपने लिए, तो ज़रा देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं या सिर्फ आपको सिखा रहे हैं और खुद वो काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद भी सीख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से, जितनी ज़्यादा तेज़ी से आप सीख सकते हैं, वो भी इस एज पर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी हार्ड अर्न मनी है और इस हार्ड अर्न मनी के साथ उन्हें रेस्पेक्ट देनी है, और ये रेस्पेक्ट ऐसे ही है कि आप उस पैसे को जहां लगा रहे हैं वो सही जगह होनी चाहिए, सही तरीके से निवेश करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि आप में से कितनों के पास टाटा मोटर्स और ल्यूपिन था, और आप में से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वाकई कभी पेन लिया ये जानने के लिए कि जगुआर लैंड रोवर कितनी बिक रही हैं हर महीने, या फिर ल्यूपिन ने किसी नई सब्सिडियरी को अगर गेन किया है तो उससे उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, टाइम है समराइज करने का जितने भी लेसन्स मिले हैं हमें राकेश जी से, बिग बुल से। लिव बाय द रूल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, चाहे जो कीजिए, निवेश कीजिए या फिर ट्रेडिंग कीजिए, रूल से चलिए, बट हां ध्यान रखिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में राकेश जी ने यह बात कभी भी नहीं कही। सेकेंड है अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट गेन्स द प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट मिल रहा है किसी भी कंपनी को उसके फैक्टर्स जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है जिन वजहों से इस कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। स्केलेबिलिटी, हाउ बिग इट कैन बी, जानिए कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं वो कंपनी भविष्य में और कितनी बड़ी हो सकती है, उसके बारे में पढ़िए, डिग डीप कीजिए उसके बारे में। देन नेवर गेट कैरीड अवे विद अ शॉर्ट टर्म, देखिए एक निवेशक और एक ट्रेडर दोनों होने के बावजूद वो हमेशा कहते हैं कि शेयर में लंबे समय तक के लिए बने रहना चाहिए आपको। व्हाट वैल्यूएशंस यू आर बाइंग एट, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कंपनी को आपने सस्ता नहीं खरीदा तो फिर आपके प्रॉफिट मेकिंग के चांसेस बहुत अच्छे नहीं है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कंपनी सस्ती ही खरीदिए, बहुत महंगी हो कंपनी तो उसे अवॉइड कीजिए या फिर अच्छे वैल्यूज आने का वेट कीजिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग सेक्टर वाइज, हमेशा सेक्टर्स पर ध्यान दीजिए कि किस सेक्टर के अंदर प्रॉफिट होने वाला है और उन्हीं सेक्टर में बने रहिए। सबसे लास्ट, बी प्रोफेशनल एंड लर्न योरसेल्फ, हमेशा सीखते रहिए मार्केट के अंदर, और इसीलिए फ्रेंड्स शेयर एकेडमी आप लोगों को हमेशा सिखाने पर तुला रहता है, कोई मदद नहीं करने आने वाला आपकी, ना कोई बिजनेस चैनल, ना ही कोई न्यूज़पेपर और ना ही कोई मार्केट गुरु। मार्केट गुरु आपकी सिर्फ और सिर्फ मदद करेंगे जब आप खुद उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू कि ये स्लाइड, और उम्मीद है कि जो आज का हमारा ये सेशन है इस सेशन से आपने थोड़ा बहुत भी सीखा होगा। अगर आपने 10% भी सीख लिया और राकेश झुंझुनवाला जी के जितनी भी इन्होंने सलाह दी थी इनमें से अगर आपने 10% भी निकाल लिया तो ये समझिए कि उनका पोर्टफोलियो जो 1000 करोड़ का है उसका 10% तो कम से कम आपके पोर्टफोलियो की वर्थ होने की संभावना है। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है और लंबे समय तक रहना है तो वो काम कीजिए जो ये मार्केट के गुरुज कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप इनसे उल्टा काम करेंगे और उसके बाद आप मार्केट के अंदर बड़ा पैसा बना लेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इसके अंदर पैसा कभी भी नहीं बनेगा, दैट इज फॉर श्योर। और उसकी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आएंगे जो अगला सेशन है विजय केडिया जी का, बहुत ही बढ़िया होगा। 15 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप होगी जो आपको क्लियर कर देगी कि क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको दूर रहना चाहिए। सारे के सारे मार्केट गुरुज इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, आप भी इन्हें अवॉइड कीजिए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा, इनकी लाइफ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। काइंडली कमेंट बॉक्स में जाइए,
और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें एक कमेंट करके जरूर बताइए कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने अभी तक के अपने प्रोफेशनल कैरियर में की हैं निवेशक के तौर पर, जिनके बारे में आपको आज के इस वीडियो से सीखने के लिए मिला। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी गलतियों को जानते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, तो ही आप अपनी गलतियों और कमियों में सुधार कर सकते हैं और तो ही आपका विकास हो सकता है और आपके पोर्टफोलियो का भी। सो इसलिए अपनी कमियां जानना बहुत जरूरी है। शेयर कीजिए उन्हें हमारे साथ में ताकि दूसरे लोग भी देखते रहें और एक दूसरे की गलतियों से सीखते हुए हम अपने अपने पोर्टफोलियोज को और बेहतर कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि आज के इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और भविष्य में हम अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाने में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे यहीं पर विदा लेंगे अगले सेशंस तक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।